हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। तो गाइस समझते हैं अब रेसिप्रोकल रूल। गाइस जो हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें से तीन जो फंक्शन है वो बाकी तीन फंक्शन के रेसिप्रोकल हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज वन अपॉन कॉसेक थीटा, सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा, cot theta equals to 1 upon tan theta, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और cosec theta equals to 1 upon sin theta, sec theta equals to 1 upon cos theta, और tan theta equals to 1 upon cot theta, ठीक है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल रूल। कैसे यूज करेंगे रेसिप्रोकल रूल को आइडेंटिटी सॉल्विंग में? तो गाइस साइन को हम कॉसेक से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉसेक को साइन से अकॉर्डिंग टू नीड। सिमिलरली कॉस को सेक से रिप्लेस कर सकते हैं, सेक को कॉस से, कॉट को टेन से रिप्लेस कर सकते हैं, टेन को कॉट से, ठीक है। आपको आइडेंटिटी में कॉट की जगह टेन लेकर आना है तो आप कॉट को क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन, और टेन की जगह अगर कॉट को लेकर आना है तो आप लिखेंगे टेन इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट, ठीक है। गाइस अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इक्वल्स टू वन। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वन हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू वन, और tan theta into cot theta equals to 1, ठीक है। तो गाइस ये हो गया रेसिप्रोकल रूल। आपको याद रखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल है। यूज मैंने आपको बता दिया आइडेंटिटी में, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्लेस करने में हम रेसिप्रोकल रूल का यूज करते हैं। गाइस नेक्स्ट रूल इज क्वेश्चन रूल। गाइस क्वेश्चन रूल में वी हैव ओनली टू रूल्स, टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेकेंड इज कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें टेन को तो आप याद कर सकते हैं tan is sec theta upon cosec theta, right? और cot को लिख सकते हैं cosec theta upon sec theta. Guys, ये relation तो आपको learn करना ही करना है tan और cot का sin cos के साथ। अगर आप additionally learn करना चाहें तो tan और cot का relation आप learn कर सकते हैं sec और cosec के साथ, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और एडिशनली अगर आपको लर्न करना है, ठीक है, तो गाइस यहां पर आप देखें वी हैव थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेशियो में लिख रहे हैं, लाइक tan इज sin अपॉन cos, tan इज sec अपॉन cosec। अगर मैं sin को लिखना चाहूं तो sin को मैं लिख सकता हूं tan इंटू cos, ठीक है। तो ये एडिशनल है, आप यहां से और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बना के यूज कर सकते हैं आइडेंटिटीज में, ठीक है। हाल फिलहाल आप सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए, दो रिलेशन को लर्न कर लीजिए, tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा इज cos अपॉन साइन थीटा। अब ये कैसे आया, तो गाइस साइन का रेसिप्रोकल cosec और cos का रेसिप्रोकल sec। तो मैंने यहां पर रेसिप्रोकल रूल लगाया है जो अभी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, cos का रेसिप्रोकल sec और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो रेसिप्रोकल करके मैंने साइन कॉस की जगह क्या लिखा, सेक और कॉसेक लिखा, ठीक है।
गाइज अगर आप इसको अभी सही रख दो, इसको याद ना करो, अगर आप इसको लर्न करो तो गाइज वी हैव टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। गाइज ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े। गाइज यहां पर मैं आपको रेसिप्रोकल रूल और क्वेश्चन रूल को कंबाइन करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो ये है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मींस गाइस दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे साइन कॉस हो ही गए, रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबको हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। टेन आएगा तो उसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉसेक अगर है तो आप उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। ठीक है तो गाइज रेसिप्रोकल रूल और क्वेश्चन रूल की हेल्प से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया है कि कैसे हम 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है तो गाइज ये हो गया क्वेश्चन रूल। अब हम समझेंगे स्क्वायर रिलेशंस। गाइस हमारे पास टोटल 3 स्क्वायर रिलेशन है। फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। सेकेंड स्क्वायर रिलेशन इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो गाइज ये हमारे पास 3 स्क्वायर रिलेशंस। ठीक है कैसे यूज करेंगे गाइज, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमें वहां मिल रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से। सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो गाइस सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है, जब भी आपको सॉल्विंग में इनमें से कोई भी रिलेशन दिखेगा आप उसको क्या लिखेंगे 1। अब हम इन स्क्वायर रिलेशन से और भी बहुत सारे रिलेशंस को लिखने वाले हैं। ठीक है तो गाइस यहां से हम 2 रिलेशंस लिखेंगे। फर्स्ट इज एक एक करके हम एक टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, रिलेशन से बनाइए कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से भी हम 2 रिलेशन बनाएंगे, एक एक करके लेके जाएंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगेन 2 रिलेशन, फर्स्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा। तो गाइस ये 3 स्क्वायर रिलेशन हमने बनाए, 6 रिलेशन। गाइस कैसे यूज करेंगे, अगेन जितने भी रिलेशन है हमें सबको यूज करके रिप्लेस करना है। तो गाइस अगर मुझे दिखाई देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो मैं इसको लिख लूंगा कॉस स्क्वायर थीटा,
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा, रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, sec square theta minus 1 को मैं लिखूंगा tan square theta, 1 plus cot square theta को मैं क्या लिखूंगा cosec square theta, और cosec square theta minus 1 को मैं लिखूंगा cot square theta। ठीक है, अब guys ये तो बहुत सिंपल है कि अगर ये आएगा तो आपको ये लिखना है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं इसका रिवर्स रूल भी लगाते हैं। cos square theta को हम लिखते हैं 1 minus sin square theta। कब ऐसा लिखेंगे? जब भी हमें cos को कन्वर्ट करना है sin में, तो हम cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जितने भी रिलेशन आप देख रहे हैं सब में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने यूज करा उसमें डिग्री 2 है, तो जब भी पावर 2 होगी तभी ये रिलेशन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है तो आप इसको लिख लें cos थीटा। नो, दिस इज रॉन्ग। रीजन, क्योंकि यहां पे डिग्री क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो याद रखिएगा यहां पे डिग्री 2 होना बहुत जरूरी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है गाइस, सिमिलरली अगर साइन है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, मुझे उसको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये चीजें नहीं बैठेंगी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब भी देखेगा बहुत इजी आपके लिए, आप sec स्क्वायर थीटा लिख लोगे, लेकिन sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? जब भी मुझे sec को कन्वर्ट करना होगा 10 में, sec स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए 10, तो मैं इसको लिख लूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट रिलेशन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो आप क्या लिखोगे cot स्क्वायर थीटा, और अगर आपके पास cot स्क्वायर थीटा है और आपको चाहिए cosec स्क्वायर थीटा तो आप क्या लिखोगे cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है गाइज, जो ये 6 रिलेशंस हैं वो आए इन 3 रिलेशन से, तो बेटर है कि आप इन 3 रिलेशंस को अच्छे से लर्न कर लो कि 3 रिलेशन में कौन कौन से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने यूज करा है और उनसे रिलेशन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइन और आपको चाहिए कॉस, तो आप देखो साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास अगर कॉस और आपको चाहिए साइन तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 6 रिलेशन है वो इन्हीं 3 रिलेशन से आए हैं, तो आप इन्हीं 3 रिलेशन को दिमाग में बिठाइए और इनसे जो बाकी के 6 रिलेशन है उसको बनाना सीखिए। ठीक है गाइस, अब हम इन रिलेशन को एक नए तरीके से भी यूज करने वाले हैं, चलिए उसको समझते हैं। गाइस अब हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से कुछ और रिलेशन बनाने वाले हैं जिसको यूज करना बहुत टफ है। देखिए गाइस, सिर्फ 4 रिलेशन को मैं यूज करूंगा यहां से और 2 रिलेशन को यूज करूंगा मैं यहां से। फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, फोर्थ रिलेशन, फिफ्थ रिलेशन और सिक्स्थ रिलेशन। गाइस इन 6 रिलेशन को हम यहां पर यूज करने वाले हैं नए रिलेशन को बनाने के लिए। गाइज इन 6 रिलेशन में एक चीज कॉमन है, अगर आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में है नेगेटिव साइन, माइनस 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 माइनस, और बाकी के जो 2 टर्म है उनकी डिग्री है 2, मतलब कौन सी फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो गाइज इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं आरएचएस टर्म नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एलएचएस टर्म लिख रहा हूं। इसको क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा, और लास्ट लिख लेंगे, समय एक ही काम कर रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख रहा हूं। अब इसका क्या यूज है गाइस, अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ मिलता है 1 प्लस साइन थीटा तो आप क्या करोगे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों गाइस, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा,
ये, और इससे क्या आएगा ये, समझ में आ रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। जब भी आपको ये छह पेयर जो लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 पेयर में से कोई भी एक टर्म दिखता है, आपको दिखा sec थीटा माइनस 1, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे sec थीटा प्लस 1 से। क्यों? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप इसको क्या लिख लोगे, आप इसको लिख लोगे tan स्क्वायर थीटा। गाइस अगर आपने लास्ट स्टेप समझ लिया जो मैंने आपको समझाया है, बिलीव मी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को देख लीजिए कि कैसे हम इनको यूज करेंगे सॉल्विंग में। अगर हमारे पास पेयर में से कोई भी एक टर्म है, सपोज करिए कोसेक थीटा माइनस 1 या कोसेक थीटा प्लस 1 है, एक टर्म, आप क्या करोगे उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ये, और बाद में आप उसको रिप्लेस कर दोगे इससे। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा पेयर को ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से पेयर हैं, पेयर का जब भी एक टर्म दिखेगा आपको उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।